ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर टेकिंग अ सेकंड पार्ट सॉल्यूशन में, एंड दिस इज योर सिंप्लेक्स मेथड, डिसीजन मेकिंग का सिंप्लेक्स मेथड। तो या तो एग्जाम में वो बोलेगा कि सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, और अगर आपको नहीं बोला है, अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड नहीं बोला है, तो फिर अगर आपके तीन प्रोडक्ट हैं, जैसे सपोज अगर आपके पास प्रोडक्ट हैं X1, X2 एंड X3, तो फिर इनको सॉल्व करना ग्राफिकल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल के तो दो ही एक्सिस होते हैं X1 एंड X2। इसका मतलब इसके अंदर आप ग्राफिकल से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर थ्री प्रोडक्ट्स, राइट। तो फिर आपको सिंप्लेक्स का सहारा लेना पड़ेगा, या तो वो सिंप्लेक्स बोलेगा या वो। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन आएगा आपको, आपका चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 आपका है डिसीजन मेकिंग, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है इज ए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अगर आप न्यू मॉड्यूल देखोगे तो आपको दो क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड दे रखे हैं, लेकिन आई एम श्योर कभी भी वो आपको इस टाइप का एक लिमिटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम दे सकते हैं, जहां पे आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं और आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बिठाना है प्रोडक्ट का टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी, लाइक यू नो, कि जो आपका SCMPE का जो पेपर था, SCMPE का जो पेपर था, वो पेपर की वजह से मेरा कितना दुकान चल रहा है, दुकान मीन्स मेरी प्रोफेशनल लाइफ कितनी खुश है, आज हम जितना भी कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस SCMPE। पता नहीं ICI ने न्यू सिलेबस में SCMPE को क्यों निकाल दिया डिसीजन मेकिंग में। फ्रेंड्स, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, मीन्स जो लोग इस सिलेबस में हैं, और जो नया आने वाला सिलेबस है, उसमें दोनों में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप लोग जो ये SCMPE जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एक इतना बड़ा एडवांटेज रहेगा इंडस्ट्री में, और आपको अगर बाय चांस कॉस्टिंग में अपना करियर भी बनाना है, तो यू हैव अ ह्यूज एडवांटेज, आपको जबरदस्त एक एडवांटेज रहेगा इसके डिसीजन मेकिंग के अंदर। आपका ब्रेक इवन पॉइंट था, आपका लिमिटिंग फैक्टर था, आपका शटडाउन पॉइंट था, आपका रिलेवेंट कॉस्टिंग था, आपको मेक एंड बाय, एक्सपोर्ट डिसीजन, थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्रू आउट अकाउंटिंग, लर्निंग कर्व, आपका TQM, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सब कुछ तो है। उसके ऊपर ही वही पर्सन सर्वाइव करेगा फ्रेंड्स डिसीजन मेकिंग में, जिसका चीपेस्ट कॉस्ट है एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। आज की डेट में यू कैनॉट इंक्रीज योर सेलिंग प्राइस, आप अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, आपको कॉस्टिंग। वही पर्सन सर्वाइव करेगा जिसका चीपेस्ट कॉस्ट है एंड जिसका बेस्ट प्रोडक्ट है। कौन इनको समझाए, ICI काउंसिल्स ने क्या डिसीजन लिया है, आई एम टोटली नॉट हैप्पी एट ऑल। अभी अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोगों को लगेगा अरे सर तो कॉस्टिंग बढ़ाते हैं, इसके लिए सर को ऐसा लग रहा है। अरे फ्रेंड्स, आप समझिए, बिना कॉस्टिंग के तो इमेजिन नहीं करा जा सकता CA फाइनल का कोर्स। CA फाइनल का न्यू कोर्स है, वो बिना कॉस्टिंग के इमेजिन नहीं किया जा सकता। जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी, आपको कॉस्टिंग आना ही चाहिए, आपको कॉस्टिंग करना ही पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप लोग SCMPE पढ़ रहे हैं तो आप ये जो न्यू सिलेबस वाले बच्चों से बहुत ज्यादा आगे रहेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग करके ना। तो बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग में आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इस तरह का कोई मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर ये सिचुएशन आ गया कि इफ द प्रोडक्ट्स आर मोर देन 2, देन यू कैन नॉट पुट ऑन ग्राफ। ग्राफ में तो आप X2 एक्सिस और X1 एक्सिस ही ले सकते हो, X3 कहां से लाओगे। देन यू हैव टू कंपल्सरी यूज योर सिंप्लेक्स मेथड, या फिर कभी क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली देता है कि यू यूज द सिंप्लेक्स मेथड, तो आपको करना है। अब जितने भी अपने ग्राफिकल के जो 3 एग्जाम्पल किए थे, वो सिंप्लेक्स से भी हो सकते हैं, सेम आंसर आपको आएगा, बराबर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है X1, X2, X3 वाला, वो ग्राफ से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको सिंप्लेक्स आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार एक सिंप्लेक्स का पार्ट आपको जरूर किया जाना चाहिए। ओके, स्टेप्स अपने वही रहेंगे। स्टेप नंबर 1, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, यू जस्ट ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म। आपको सबसे पहले कहां डालना है, उनको टेबुलर फॉर्म में डालना है, उसके बाद आपको फॉर्मुलेट करना है, और धीरे धीरे स्लोली आपके पास, और आपको क्या करना चाहिए,
जब भी आप खाना खाने बैठे हैं, बराबर, जब आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप टीवी में ये लगा दीजिए लेक्चर और आप सुनते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी। और हाँ, अगेन, अगर आपको लाइक है, आपको लगता है कि नहीं मजा आया, आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा और कॉन्सेप्ट चाहिए, आप मुझे बताइए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि क्या आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप उसको सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर एंड पेज नंबर 13.9 एंड कंटिन्यू ऑन 13.10। We are doing simplex method. Question number 4 and page number 13.9 and 13.10. A manufacturer produces two products D1 and D2 using two machines R1 and R2. उसके पास क्या है? A manufacturer produces two products D1 and D2 using two machine R1 and R2. Products D1 requires 2 hours on machine R1 and 6 hours on machine R2. तो उसको क्या चाहिए? प्रोडक्ट D1 requires 2 hours on R1 and 6 hours on R2. प्रोडक्ट D2 utilizes 5 hours of machine R1 only. वो किस पे यूज करता है? R1 only. इसका मतलब 0 hours in R2. Total hours available per day on machine R1 is 16 and R2 is 30. Total hours machine R1 is 16 and R2 is 30. Profit margin from D1 and D2 is 2 rupees and 10 rupees per unit respectively. Using simplex method, please underline that, using simplex method, find out the daily production mix to optimum profit, to optimize profit. Say yes or no. Optimum profit आपको निकालना है, इसका मतलब this sum is related to maximization. तो पहला मैंने आपको क्या बताया था friends, बोलो, step number 1. Whatever information you have, you just try to put into the tabular form. Step number 1. And this is your tabular form. There are two products. A manufacturer produces two products D1 and D2. Using two machines R1, R2. Product D1 requires 2 hours on R1. 2 hours on R1. And 6 hours on R2. Product D2 utilizes 5 hours on machine R1. 5 hours on R1. The total available per day on machine R1 is 16. Maximum hours is 16 and 16. And the total available per day on machine R1 is 16 and R2 is 30. Profit margin D1 and D2 2 rupees and 10 rupees. Profit 2 rupees and profit 10 rupees. A manufacturer produces two products D1 and D2 using two machine R1 and R2. ये आपकी मशीन है. Product D1 requires 2 hours on R1, 2 hours on R1 and 6 hours on R2, 6 hours on R2. Product D2 utilizes 5 hours on R1, 5 hours on R1. Total hours available per day for machine R1 is 16. And machine R2 is 30. Profit margin D1 D2 is 2 rupees and 10 rupees. Using simplex method,
फाइंड आउट द डेली प्रोडक्शन मिक्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, टेबुलर फॉर्म में, एंड दिस इज योर स्टेप नंबर वन. फिर इसको अपन फॉर्मुलेट करेंगे, और फॉर्मुलेट करने के बाद उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, ऐसे तो ये ग्राफ से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या स्पेसिफिकली बोला है कि यू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स. तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लेक्स. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्टेप नंबर टू इज ए फॉर्मुलेशन. इट मीन्स योर मैक्सिमाइज जेड, बिकॉज प्रॉफिट का प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज जेड टू ऑन एज्यूम एक्स वन एज्यूम एक्स टू, टू ऑन एक्स वन टेन ऑन एक्स टू, टू एक्स वन प्लस टेन एक्स टू, टू ऑन एक्स वन टू ऑन एक्स वन टेन ऑन एक्स टू, राइट. सब्जेक्ट टू योर 2x1 5x2 less than equal to 16 and 6x1 0x2 less than equal to 30. अगर आप 0 नहीं लिखते आकर 6x1 less than equal to 30 लिखते तो भी चलेगा, और 0 लिखा तो भी चलेगा. एंड x1 x2 आर नॉन नेगेटिव. क्या लिखा फ्रेंड्स अपन ने, इट मीन्स दिस इज योर मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू ₹2 प्रॉफिट ऑन एक्स वन, ₹10 प्रॉफिट ऑन एक्स टू. सो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 10x2 सच दैट 2 ऑन एक्स वन 5 ऑन एक्स टू, 2x1 5x2 लेस देन इक्वल टू 16, लेस देन इक्वल टू 16 एंड 6x1 6x1 0x2 लेस देन इक्वल टू 30 एंड x1 x2 आर नॉन नेगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज योर प्रॉफिट. सो यस नो फ्रेंड, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर प्रॉफिट. ओके, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन. याद है इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन. Means whatever you want to say, you say in equation form. 2x1 plus 10x2 subject to 2x1 plus 5x2 less than equal to 16. 6x1 less than equal to 30 लिख सकते हैं, या 6x1 plus 0x2 equal to 30. And x1, x2 are greater than or equal to 0. x1, x2 are greater than equal to 0. Say yes or no friend. x1, x2 are greater than or equal to, greater than or equal to 0. Say yes or no. ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया फॉर्मुलेशन. Say yes or no. ये आपका क्या हो गया फॉर्मुलेशन. परफेक्टली क्लियर. ओके, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा फ्रेंड्स देख लीजिए. देखो, ये हम लोग ने अभी ग्राफिकल में हम लोग करते थे, तो हम लोग कैसे लिखते थे, ये 2x1 plus 5x2 is less than equal to 16, राइट. जब ये less than equal to 16 है, तो आप इसको इक्वल कैसे कर सकते हो, बराबर. ये साइन का मतलब क्या हो गया, कि ये पोर्शन आपका बिग है और ये आपका स्मॉल है, बराबर. और हम ग्राफ में क्या करते थे, ये 2x1 plus 5x2 कैसे करते थे, 2x1 plus 5x2 equal to 16. तो ये कॉन्सेप्ट बोलता नहीं, आप ये नहीं कर सकते, बराबर. आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. तो जब तक इक्वल नहीं होगा, तब तक, जब तक ये इक्वल नहीं होगा, तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. जब तक आपका इक्वल नहीं होगा, जब तक आपका इक्वल नहीं होगा, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इक्वल करना पड़ेगा, और आपको ये पता है कि ये जो मेरा एरिया है वो छोटा है और ये मेरा एरिया बड़ा है. इक्वल आप कर नहीं सकते, और बिना इक्वल किए, विदाउट इक्वलिटी यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग एक स्लैक वेरिएबल करके इंट्रोड्यूस करेंगे. अगर आपको चाहिए तो नोट्स अपने याद रखने के लिए लिख लीजिए. वैसे मैं बहुत बहुत बार इसको रिपीट 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 करूंगा, तो आपको काफी हो जाएगा क्लियर. देखो कैसे करेंगे फ्रेंड्स,
वी आर स्टार्टिंग विद सिंप्लेक्स एंड मेथड। सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा यहां पे ध्यान दीजिए। इट मींस योर मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, तो पहले अपन लिखेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट यू राइट इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल, इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल। इसमें क्या है, अपन मेंटली भी एकदम फिट हो जाएंगे, अपने को ऐसा नहीं रहेगा नहीं यार मेरे को सिंप्लेक्स नहीं आता। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं यार मेरे को सिंप्लेक्स भी आता है। ये क्या है, मेंटल गेम भी होता है एग्जाम के अंदर। ओके, आप जरा लिखिए सिलेक्ट वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल बोलते हैं आपका जैसे S1 S2 एंड S3, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उसके हिसाब से। ओके, क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, आपको क्या दे रखा था, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 + 10x2, 2x1 + 10x2 सब्जेक्ट। ओके, नाउ वी आर डूइंग इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल, मींस जो भी आपकी कमी पूरी रहेगा इसके अंदर, जो आपका शॉर्टेज आएगा वो कौन पूरा करेगा, वो आपका पूरा करेगा स्लैक वेरिएबल। इट मींस 2x1 + 5x2 + S1 आपका पूरा कर देगा इक्वल टू 16। जो भी आपकी कमी रहेगी, ये साइज आपका छोटा है ना फ्रेंड्स, ये वाला साइड आपका छोटा है, तो साइड को इक्वल करने के लिए जो भी आपको जरूरत रहेगी वो कौन पूरा कर देगा, S1, ठीक है। देन 6x1 0x2 S2 = 30। ओके, सो 2x1 + 10x2 and 2x1 + 5x2 + S1 = 16, 6x1 + 0x2 + S2 = 30। सही है, सुनो फिर। अब ये S1 S2 जो आपने वेरिएबल डाले, ये जो S1 और S2 जो आपने वेरिएबल डाले उनके ऊपर आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा, ये आपके प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट इक्वल करने के लिए फॉर द इक्वलिटी हम लोगों ने डाला। इसमें हम लोगों ने सिर्फ इक्वल करने, क्योंकि ये पोर्शन आपका छोटा था, छोटा, और इसके साथ इक्वल करने के लिए आपने क्या डाला, S1। यहाँ पे ये पोर्शन आपका छोटा था, ये बड़ा था, इक्वल करने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो क्या डाला, S2, और 2x1 10x2 आपका था, बट S1 S2 पे आपको एज सच कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि S1 S2 इज नॉट योर प्रोडक्ट। तो यहां पे हम एक लिख देंगे 0 into S1 + 0 into S2 सही है, सुनो फिर ये आप लिख दीजिए यहां पे 0 into S1 0, इसका मतलब 0 0 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 0 कहता है जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो टकराए आपका क्या हो गया 0। इट मींस ये आपका क्या हो गया 0 into S1 0 into S2। सही आंसर ऑब्वियस, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 + 0 into S1, क्यों, क्योंकि ये साइड छोटा था, इक्वल करने के लिए S1 डाला, ये साइड छोटा था, इक्वल करने के लिए S2 डाला, और दोनों के ऊपर आपको प्रॉफिट क्या आ रहा है, S1 S2 दोनों के ऊपर आपको प्रॉफिट क्या आ रहा है, 0। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 0। नाउ फ्रेंड देयर इज अ सेट, आपको कुछ करना नहीं है, बार बार आपको रिपीट करना है। इट मीन्स इंट्रोड्यूसिंग, इसको S1 S2 को हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। S1 S2, अगर ये तीन प्रोडक्ट होते तो हम S1 S2 S3 डालते, अगर तीन प्रोडक्ट होते तो हम लोग क्या डालते फ्रेंड्स, S1 S2 S3, क्योंकि दो प्रोडक्ट है तो हम क्या डालेंगे, S1 and S2। अब दे दीजिए सेट सिंप्लेक्स टेबल। ओके, ये आपका सिंप्लेक्स मेथड चल रहा है, अब इसके लिए आपका एक सिंप्लेक्स टेबल रहेगा, ठीक है फ्रेंड,
कैसे बनाएंगे, एंड दिस इज योर सिंप्लेक्स टेबल। ओके, सिंप्लेक्स टेबल में फ्रेंड्स देर आर सर्टेन कॉलम्स, एक आपका रहेगा फिक्स रेशो, एक आपका प्रॉफिट, एक आपका प्रोग्राम, एक आपका क्वांटिटी, और लास्ट में आपका रहेगा रिप्लेसमेंट रेशो। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका रहेगा फिक्स्ड रेशियो, बराबर। ये टेबल आपको दे रखी है पेज नंबर 13.9 ऑन सॉल्यूशन बुक, 13.9 पेज नंबर 13.9 ऑन सॉल्यूशन बुक, पेज नंबर 13.9 आपको सब प्रिंट किया हुआ दे रखा है, आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ना, सॉल्यूशन बुक 13.9 ऑन सॉल्यूशन बुक फिक्स रेशियो। फिर आपका आएगा फ्रेंड्स प्रॉफिट, फिर आपका आएगा प्रोग्राम, फिर आपका आएगा क्वांटिटी, फिर आपका आएगा फ्रेंड्स रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट एंड रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो। सबसे पहले आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, बोलो, सेट फॉर्मेट है, हर सम आपको सेम फॉर्मेट में जाना है, फिक्स रेशियो, देन आपका प्रॉफिट, देन आपका प्रोग्राम, देन आपका क्वांटिटी, एंड देन आपका रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे फ्रेंड्स, एक्स वन एक्स टू एस वन एंड एस टू। ओके, अब एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू, ये चार आपके पास वेरिएबल हैं, एक्स वन एक्स टू एस वन और एस टू। ओके, इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं सी जे, सी जे। इनके ऊपर आपको प्रॉफिट क्या हो रहा था, आपको प्रॉफिट हो रहा था एक्स वन पे टू, आपको प्रॉफिट हो रहा था एक्स टू पे टेन, एस वन पे जीरो और एस टू पे जीरो। देखो जरा क्या प्रॉफिट आपको हो रहा है, एक्स वन टू एक्स टू टेन, एस वन जीरो एस टू जीरो। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये सेट फॉर्मेट, सेट फॉर्मेट में पहले क्या है, इज ए फिक्स रेशियो, कॉलम फिक्स्ड है, आपका प्रॉफिट, आपका प्रोग्राम, आपका क्वांटिटी, फिर एक्स वन X2, S1, S2। अगर तीन प्रोडक्ट होते X1, X2, X3, तो हम लोग देते S1, S2, S3, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर रिप्लेसमेंट रेशियो। व्हाट इज द CJ, CJ 2, 10, 0 एंड 0, 2, 10, 0, 0। हमेशा प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आपके प्रोग्राम के अंदर क्या आएंगे, S1 एंड S2, हमेशा प्रोग्राम के अंदर क्या आएंगे, S1 एंड S2। ये आपका S1 और S2 हमेशा आपके सबसे पहले क्या आ जाएगा प्रोग्राम के अंदर। अगर तीन होते तो पहले प्रोग्राम में क्या आता था, S1, S2, S3। अब देखो, क्वांटिटी मीन्स जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, क्वांटिटी मीन्स जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है 16 एंड 30, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है 16 एंड 30। बार 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 आप रिपीट करोगे, खाना खाने बैठे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, डॉक्टर के यहाँ गए हो, एंजॉय कर रहे हो किसी से, तो वहां पे लगा के सुनते रहने का करके ना, ये आपका हो गया 16 एंड 30। ओके, फिर आप आ जाइए फ्रेंड्स 16 एंड 30, ये आपको रिसोर्स आपका हो गया। फिर X1 का वैल्यू है 2 एंड 6 एंड 5 एंड 0, 2 एंड 6, 5 एंड 0, 2 एंड 6, 5 एंड 0। क्या वैल्यू है देखो, X1 का क्या वैल्यू है 2 एंड 6 और X2 का 5 एंड 0, 2 एंड 6, 5 एंड 0। ओके, अब S1 S2 का नहीं है तो S1 S2 में हम क्या करेंगे, ऑलवेज यू टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो तो 1 0 0 1 1 0 0 1, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आराम से प्यार से आप करोगे आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, किसको लेंगे, S1 एंड S2 को, प्रोग्राम में सबसे पहले किसको लेंगे, S1 एंड S2 को। ओके, क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, ये 16 जो रिसोर्स अवेलेबल है एंड 30 जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, दिस इज 16 एंड दिस इज 30।
30, ओके। अब आप देखिए x1 का आपके पास क्या वैल्यू है, x1 का आपके पास वैल्यू है 2 and 6, और x2 का वैल्यू है 5 and 0, 2 and 6, 5 and 0, 2 and 6, 5 and 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 and 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर, बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। अगर आपके पास तीन होते, अगर आपके पास तीन प्रोडक्ट होते एस वन एस टू एस थ्री, तो हम क्या करते थे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर तीन प्रोडक्ट होते एस वन एस टू एस थ्री तो हम क्या करते थे, 1 0 0 0 1 0 0 1। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर जेड जे, जेड जे, ओके जेड जे। अब देखिए S1 और S2, S1 और S2 क्या होता है, उनका प्रॉफिट क्या है, उनका प्रॉफिट है 0 और S2 का प्रॉफिट है 0, क्या हो जाएगा, S1 का प्रॉफिट 0 और S2 का प्रॉफिट 0, ओके। अब ZJ, ZJ क्या होगा कि 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस दिस 0 मल्टीप्लाई बाई 6, 0 मल्टीप्लाई बाई 6, 0 0 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 6। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, बोलो 0 into 5 plus 0 into 0, क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, 0 into 1 0 into 0, 0 into 1 plus 0 into 0, 0 into 0, 0 into 1, 0 into 0 plus 0 into, 0 into 2, 0 into 6, यहां पे ले लिया, 0 into 5 plus 0 into 0, 0 into 1, 0 into 0, 0 into 0, 0 into 1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0, ये 0 तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अपने को क्या आएगा, इसे ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका आएगा नेक्स्ट इज ए नेट इवेल्युएशन रो सी जे माइनस जेड जे, सी जे आपका है 2, जेड जे आपका 0, 2, 10 माइनस 0 10, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो ये आपका 2 है, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, ये आपका 10 है, 10 माइनस 0 10 आ जाएगा, 0 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, एंड 0 0 माइनस 0 आपका 0 आ जाएगा, सही है। सुनो फ्रेंड्स, आपका क्या वैल्यू आ जाएगा वो आप मुझे बताइए, इट मींस आपका वैल्यू आ गया 2 10 0 0, ये आपका क्या हो गया NER, इसको बोलते हैं नेट इवेल्युएशन रो, इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, नेट इवेल्युएशन रो। एक बार शांति से आप मेरा पूरा लेक्चर सुनिए, आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, सॉल्यूशन में देयर इज नो प्रॉब्लम, 1630265010001, जेड जे हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0 0 0 0 0, NER CJ माइनस ZJ, ये आपका ZJ कैलकुलेट हो गया, ये आपका CJ था, CJ माइनस ZJ करेंगे आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, NER, ये आपका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको प्रिंट करके मैंने पेज नंबर 13.9 एंड 13.10 पे दे रखा है। दिस इज ऑन 13.9 13.10 पे आपको मैं दे रखा है सॉल्यूशन, सही है सर। अब ये NER क्या होता है, NER इज ए टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, NER आपका जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, दिस इज योर टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, इसका ऑप्टिमलिटी आपका टेस्ट है, मतलब NER क्या होना चाहिए, या तो 0 0 होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, NER आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 0 होना चाहिए NER,
या आपका नेगेटिव होना चाहिए। एनईआर आपका क्या होना चाहिए, या तो 0-0 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर नहीं है तो जो हाईजेस्ट पॉजिटिव रहता है, ये आपका हाईजेस्ट पॉजिटिव है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन कमिंग वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, इनकमिंग वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग, ये वाला जो वेरिएबल है मेरा, ये मेरा जो वेरिएबल है, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल हाईजेस्ट जो पॉजिटिव है, ये आपका जो हाईजेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि 10 आपका क्या है, हाईजेस्ट पॉजिटिव है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग वेरिएबल, हाईजेस्ट पॉजिटिव। आपको चाहिए तो आप कहीं साइड में लिख दीजिए, राइट, याद करने के लिए। इसका मतलब हमारा इनकमिंग वेरिएबल, हमारा इनकमिंग वेरिएबल, हमारा इनकमिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारा इनकमिंग वेरिएबल है x2। हमारा जो इनकमिंग वेरिएबल है, हमारा जो इनकमिंग वेरिएबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, x2, बिकॉज दिस इज हाईजेस्ट पॉजिटिव। आपका क्या हो गया, दिस इज हाईजेस्ट पॉजिटिव। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेशियो। ओके, अब हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, बोलो, अब हम निकालेंगे अपना रिप्लेसमेंट रेशियो। ओके, अब हम निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेशियो। ओके, अब हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स अपना, बोलो, रिप्लेसमेंट, सही है, सुनो, अब अपन निकालेंगे रिप्लेसमेंट रेशियो। अब क्या करना है फ्रेंड्स आपको, देखो, ये 16 को आप डिवाइड करिए 5 से और 30 को डिवाइड करिए 0 से। इट मींस दिस इज योर 16/5 और दिस इज योर 30/0। दिस इज योर 30/0 आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटी, और ये आपका आ जाएगा 16/5। आपको फ्रैक्शन में ही लिखना है, राइट, इस तरह से ही आपको लिखना है 16/5। एंड किससे डिवाइड किया फ्रेंड्स हम लोगों ने, ये 16/5 और ये 30/0, 16/5 एंड 30/0, ये 16/5 और ये आपका क्या हो जाएगा। अब जहां पर इन दोनों में जो मिनिमम होगा, इन दोनों में जो मिनिमम होगा, ये और ये दोनों में जो मिनिमम होगा, ये दोनों में जो मिनिमम होगा, उसको हम बोलेंगे आउटगोइंग वेरिएबल। तो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि इन्फिनिटी इज अ वेरी हाई वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल 16/5 आउटगोइंग वेरिएबल, सही है, सुनो फ्रेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल। और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे जहां पे इनकमिंग और आउटगोइंग इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो, ये आउटगोइंग है आपका, ये इनकमिंग है, जहां पे इनकमिंग आउटगोइंग इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे की फैक्टर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्लियर होगा। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका हो गया की फैक्टर, जहां पे इनकमिंग, देखो इनकमिंग कौन सा है, योर आउटगोइंग है S1, ओके, और आपका इनकमिंग है X2, तो S1 X2 जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, की फैक्टर। ओके, की फैक्टर के सामने आपका आ जाएगा डैश, और ये 0/5 हम करेंगे, 0/5, बस हो गया, अब ज्यादा नहीं है, 0 नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, नॉन की फैक्टर नंबर को हम 0/5 करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 0/5 आपका क्या हो जाएगा, ये, सही है, सुनो, बस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 जा रहा है और उसके प्लेस पे X2 आ रहा है, और उसके प्लेस पे X2 आ रहा है, S1 जा रहा है और उसके प्लेस पर आपको क्या आ रहा है, X2 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपली आप रख दीजिए, दिस इज योर X2 और S2 एज इट इज, X2 एंड S2 एज इट इज,
सही है सर आपने, ये आपका हो गया। अब जो अब एक्स टू का क्या प्रॉफिट है, देखो एक्स टू का प्रॉफिट है 10, ये प्रॉफिट कॉलम है 10, और एस टू का क्या प्रॉफिट है 0, एस टू का क्या प्रॉफिट है बोलो 0, 10 एंड 0, एस टू आपका क्या हो गया 10 एंड 0। अब देखिए जो की फैक्टर रो है, ये आपका की फैक्टर रो हो गया, ये आपका क्या हो गया की, क्योंकि इसके अंदर की फैक्टर है ना, ये 5 आपका की फैक्टर, मैंने बताया था ना की फैक्टर है 5, तो इसको की फैक्टर रो को हम किससे डिवाइड करेंगे, की फैक्टर से, इट मींस 16/5 5/5 लिखो या 1 लिख दो करके ना, 5/5 आपका हो गया 1, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/5 1 हो गया, एंड देन 1/5 एंड 0/5 आप करेंगे तो जी 0/5 अगर आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बोलो, तो ये 16/5, ये 2/5, ये 5/5 करेंगे तो 1, ब्रैकेट में लिखना तो लिख दो 5/5, ये 1/5 किया, ये आपने 0/5 किया तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू 0। सही है सुनो फ्रेंड्स बोलो, ये पूरा जो नंबर है, ये पूरी जो रो है, ये जो पूरी रो है, ये जो पूरी रो है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये पूरी रो है उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 16/5 हो गया, ये 2/5, ये 5/5 इज 1 आपका आ गया, ये 1/5 आपका हो गया, और ये 0, दिस सही है सर। फिर आपका बच्चा एस टू, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, सेम स्टेप्स को आप फॉलो करिए ओके। ये जो की फैक्टर रो है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, की फैक्टर से, लेकिन अब हमारे पास इसका वैल्यूज नहीं है, उसके लिए रिफर नोट नंबर 1, उसको आप रिफर करिए, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 ओके, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले आप लीजिए अदर देन की फैक्टर रो, अदर देन की फैक्टर रो माइनस की फैक्टर रो मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड रेशियो, अदर देन की फैक्टर रो, अदर देन की फैक्टर रो माइनस की फैक्टर रो इनटू फिक्स रेशियो, आपका क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मैंने लिखा भी है नोट्स में 13.10 पे, अदर देन की फैक्टर रो माइनस की फैक्टर रो मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड रेशियो, अदर देन की फैक्टर रो आपका कौन सा है फ्रेंड्स, दिस इज योर अदर देन की फैक्टर रो, क्योंकि ये तो की फैक्टर था 5, तो अदर देन की फैक्टर रो आपका आएगा 36001, 36001 इंटू की फैक्टर रो, व्हाट इज द की फैक्टर रो 16/2510, 16/2510 मल्टीप्लाई बाय फिक्स रेशियो, आपका फिक्स रेशियो क्या था इज 0, आपका फिक्स रेशियो है 0, बस 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 हो गया, आपका फिक्स रेशियो क्या है, अदर देन की फैक्टर रो, की फैक्टर रो आपकी ये थी, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपको लेना है अदर देन की फैक्टर रो 36001, 36001 माइनस की फैक्टर रो, व्हाट इज द की फैक्टर रो, की फैक्टर रो, व्हाट इज द की फैक्टर रो 16/2510
16 to 510 मल्टीप्लाई बाई फिक्स्ड रेशियो. व्हाट इज द फिक्स्ड रेशियो? इज ए जीरो. व्हाट इज द फिक्स्ड रेशियो? इज आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इट मींस सिक्सटीन इंटू जीरो इज जीरो. थर्टी में से माइनस किया 30. टू इंटू जीरो इज जीरो सिक्स. फाइव इंटू जीरो जीरो. वन इंटू जीरो जीरो. एंड जीरो इंटू जीरो वन. इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा? 36001. 36001 आपका वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 36001. ये आपका वैल्यू आ गया था 1. फाइव इंटू फाइव किया था ना, 1 आया था. ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए. ये आपका, ये भी आपका 0. अब आप आ जाइए जेड जे. जेड जे मतलब 10 इंटू 2 बाई 5, 0 इंटू 6. बोलो 10 इंटू 2 बाई 5 प्लस 0 इंटू 6 आपका क्या आ जाएगा? 10 इंटू 2 बाई इट मीन्स 4. 10 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 आपका क्या आएगा? 10. 10 इंटू 1 बाई 5, 0 इंटू 0 आपका क्या आएगा? 2. एंड 10 इंटू 0, 0 इंटू दिस. आपको लिखना है तो अपन लिख भी सकते हैं. ये आपका आ गया. अब आप ले लीजिए फ्रेंड्स, 10 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0. फिर आप ले लीजिए 10 इंटू 1 बाई 5 प्लस 0 इंटू 0. फिर आप ले लीजिए 10 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0. ये आपका आ जाएगा. ओके, तो 10 इंटू 2 बाई 5 प्लस 0 इंटू 6 इज 4. 10 इंटू 1 आपका 10 आ जाएगा. 10 इंटू 1 बाई 5 ये आपका 2, ये आपका 0. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स लास्ट आपका NER, नेट इवेल्युएशन रो. इट मींस नेट इवेल्युएशन क्या होता है बोलो? जेड जे माइनस सॉरी सी जे माइनस जेड जे. 2 माइनस 4 माइनस 2. 10 माइनस 10 0. 0 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 0. इसका मतलब ये आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ? NER इज ए नेट इवेल्युएशन रो. वो क्या होना चाहिए? या तो 0 0 होना चाहिए, या तो 0 0 या नेगेटिव होना चाहिए. इसका मतलब दिस इज योर टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी. दिस इज द टेस्ट ऑफ योर ऑप्टिमलिटी. आपका ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो गया. इसका मतलब इफ यू वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, इफ यू वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, यू शुड प्रोड्यूस एक्स टू की 16/5 यूनिट्स. ओके, और हर यूनिट पे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 10. आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दिस इज योर फाइनल आंसर. फाइनल आंसर इज एक्स टू यूनिट्स 16/5 प्रॉफिट पर यूनिट इज 10. सो योर टोटल प्रॉफिट विल बी 32. टोटल प्रॉफिट विल बी 32.
एक्स टू, एक्स टू कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं फ्रेंड्स, बोलो। वी आर प्रोड्यूसिंग एस टू, तो कुछ है ही नहीं, एक्स टू प्रॉफिट बनेगा। ये क्वांटिटी कॉलम है, क्वांटिटी कॉलम में कितनी यूनिट्स है, 16.5 एंड एक पे क्या प्रॉफिट है, 10 रुपीज। सो 16 बाई 5 एक पे प्रॉफिट क्या है, 16.5, एक पर प्रॉफिट 10 रुपीज और आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 30। अब इसी सम को आप 5-10 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरी बात ध्यान रख लीजिए फ्रेंड कि अगर आपको अपना माइंड शार्प करना है, पहले जब हम लोग इससे भी आपका SEMPE से पहले एक सब्जेक्ट था आपका AMA, वहां पे तो 30 मार्क्स का हुआ रहता था, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, LPP, सिमुलेशन, सिम्प्लेक्स सब था वहां पे करके ना, ओके। तो ये वाला पार्ट बार 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 जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो आपको मजा आएगा। इसके बाद आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे कौन सा टॉपिक पहले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपका दोनों टॉपिक OR के हो गए। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आया था कि सर हमें OR के टॉपिक करने हैं, वो नहीं, हमें सबसे पहले कौन से टॉपिक करने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको दोनों टॉपिक आपको बता दिए, पहला टॉपिक आपको LPP करना चाहिए, दूसरा टॉपिक आपको ये पहला टॉपिक आपका लर्निंग कर्व होगा जो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 14, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 जो अपना चल रहा है दैट इज LPP, उसके बाद आपका कॉस्टिंग स्टार्ट होता है। कॉस्टिंग बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पॉसिबल नहीं है। कोई भी केस स्टडीज है, कोई भी कंपनी का अगर आपको समझना है, कुछ भी एनालिसिस करना है फ्रेंड्स, वही पर्सन सर्वाइव करेगा जिसका बेस्ट प्रोडक्ट है और मिनिमम कॉस्ट है और वो ओवरनाइट नहीं होता। उसके लिए आपको कॉस्टिंग में मास्टरी करना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ ICI न्यू सिलेबस में उन्होंने कॉस्टिंग को मेन करिकुलम में से हटा दिया है। बिना कॉस्टिंग के तो दुनिया चल ही नहीं सकती। वही कंपनी सर्वाइव करेगा जिसका चीपेस्ट कॉस्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। इंस्टीट्यूट को अगर आपकी कोई पहचान है तो आप ये आवाज पहुंचाइए कि भाई बिना इसके, यू नो दैट बिना कॉस्टिंग के CA कोर्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि आपका तो इंटरेस्ट है इसके लिए आप बोल रहे हैं, आप कॉस्टिंग ट्यूटर हैं। दूसरा, एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप होना चाहिए, आप ये बात भी पहुंचाइए। तीसरा, फाउंडेशन में जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट 50% है वो उनको 40% करके एग्रीगेट 50% करना चाहिए। ये मेरी तरफ से जो इंसुलिन है, मीन्स इमीडिएट जो चेंजेस इंस्टीट्यूट को लाने चाहिए न्यू सिलेबस में, वो ये हम तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे फ्रेंड्स, जो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो स्टूडेंट्स की वजह से, ओके। अब अपन का जो पार्ट स्टार्ट होगा दैट इज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो सबसे दुनिया का बेहतरीन टॉपिक है। मीन्स आप अगर नहीं भी कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ते रहिए, वो समझते रहिए एनालिसिस, उसी के बेस पे हमारा एक चैप्टर आएगा आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करके ना, वो पूरा की पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, स्टैंडर्ड पर। अब मुझे आप छोड़िए मत, आपका एक एक लॉजिक क्लियर करके चलते हैं, ओके। और लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ, लाइक करिए, कमेंट करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, आप मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा, फास्ट था, स्लो था, क्या मुझे और कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो बच्चों की वजह से है। जैसे मोम की मोम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दाई। थैंक यू वेरी मच।